हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी मिल रहे थे कि सर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता क्या है, किन स्टूडेंट को मिलता है। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसके लिए पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी एक स्टूडेंट को इसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए थी कि क्या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता क्या है, आखिर क्या इसको लेने के बाद हमें ओरिजिनल रिजल्ट की नीड नहीं होती। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट को लेकर, वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि थर्ड ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, जैसा कि हम आशा कर रहे थे कि सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाने चाहिए थे, जो कि सितंबर फर्स्ट वीक भी जा चुकी है। और नॉर्थ कैंपस में भी कई सारे स्टूडेंट गए, तो उनको भी अब नई नई तारीखें दी जा रही है, क्योंकि इसको लेकर कोई एक क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपसे कहूँ एक बात कि रिजल्ट के लिए अब आप एक काम कर लीजिए कि रिजल्ट तो आपका आना है, तो आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर मतलब किसी भी पीजी एडमिशन में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वे में, तो आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आप निकलवा लीजिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट की पढ़ाई मारी जाए, या फिर ये ना कहे कि सर हमारा रिजल्ट लेट हो गया तो हमारा एक साल का करियर ख़राब हो गया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले आप समझ लीजिए कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता क्या, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, ये भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और रिजल्ट के लिए भी थोड़ा मैं बता दूंगा। ठीक है ना, देखिए पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता क्या है। देखिए कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। देखिए कॉन्फिडेंशियल, जैसे कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है जो किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी जब भी रिजल्ट लेट होता है तो एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास कि वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलवा सकता है, पर इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आपकी आंसर शीट होनी चाहिए और प्रॉपर चेक हो जानी चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 98% कॉपियां चेक हो चुकी हैं, चाहे उसमें SOL ले लीजिए और भी ले लीजिए, थोड़ी बहुत कॉपियां हैं जो अभी चेक नहीं होगी। और क्योंकि एक आंसर शीट एक डेस्क से होते हुए 3 से 4 डेस्कों में जाती है साइन के लिए, एक तो एग्जामिनर उसे चेक करेगा, फिर एक जगह स्टैम्प लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हो, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और SOL में तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है। तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में ये होता है कि जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन कहीं लेना चाहते हो, सिर्फ ओनली एडमिशन के लिए होता है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, ठीक है, नौकरी वगैरह के लिए नहीं होता। तो मान के चलिए आप किसी यूनिवर्सिटी में, मान के चलिए मैं इग्नू का आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे इग्नू की लास्ट डेट 15 सितंबर है, ठीक है, या 20 सितंबर है, जो भी है, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब आपको पता है कि 15 सितंबर के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आ रहा, तो आप ऐसे में करोगे क्या? क्या इग्नू क्या बिना डिग्री के, बिना ग्रेजुएशन कम्प्लीट के आपका एडमिशन ले लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। एक इग्नू का कहना ये है कि हमें एक ऐसा प्रूफ ला के दो जिससे हमें ये पता चले कि आप उसमें क्वालिफाई किए हो, यानी उसमें आप पास हो चुके हो उस एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ऑनलाइन ही वैसे मिलता था, पर उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, अब ऑफलाइन दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है इग्नू को छोड़ के, आपको वहाँ से लेटर लिखवा के लाना है, वो लेटर और आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट, प्लस आपका एडमिट कार्ड फाइनल ईयर का, एक आइडेंटिटी कार्ड, एक फ़ोटो, और 550 रुपये शायद फीस जाती है इसकी। कॉन्फिडेंशियल का फॉर्म लेना होगा, वहीं आपको मिल जाएगा, आप उसको फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको, उसके बाद जब आप फीस पे कर दोगे, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन ब्रांच भेजेंगे। एग्जामिनेशन ब्रांच वाले अगर आपसे कहते हैं कि परसों आना, परसों देंगे, तो आप फिर परसों जाओगे, तब आपको 1 से 2 घंटे के अंदर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट उसकी एक शर्त ये होती है कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो होता है वो ओनली एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी के बीच ही रहता है, यानी उसको आप नहीं खोल सकते बीच में।
अगर आपने उसे ओपन कर लिया उस लिफाफे को या जो भी है, जो भी आप वहाँ से आपको प्रोवाइड होगा, फिर जब भी आप वहाँ सबमिट करने जाओगे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट सिर्फ इसीलिए होता है ताकि यूनिवर्सिटी को ये पता लग जाए कि स्टूडेंट पास है, सिर्फ इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ताकि आपका वो एडमिशन होल्ड पे रख ले, पर जैसे ही रिजल्ट आएगा एडमिशन क्लोज होने के बाद भी आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इसीलिए होता है। बट अब कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी कहते हैं कि सर हमने तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट सोर्स से निकलवा भी लिया फिर भी हमसे ओरिजिनल मांग रहे। बिल्कुल मांगेंगे। एक बार बताइए आपके किस में कितने नंबर आए हैं, कितनी परसेंटेज आई है, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल में लिखा रहता है। कॉन्फिडेंशियल में ओनली ये लिखा रहता है कि आप पास हो या फेल हो, ताकि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसको ये आश्वासन मिल सके कि हाँ ये स्टूडेंट पास है, बस इसका रिजल्ट नहीं आया है। समझ गए ना मेरा क्या कहना है? बस यानी ये जो रिजल्ट होता है वो गुप्त होता है, एक यूनिवर्सिटी को पता है और एक उसको जिस वहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो। अगर आपने इसको लेके खोल लिया तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना। अब दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट क्या सोल की नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल? बिल्कुल अवेलेबल है। कई स्टूडेंट जा रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, कईयों को परसों बुलाया जा रहा है, कईयों को दो दिन बाद बुलाया जा रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब बड़ी तादाद में स्टूडेंट सोल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से अब उनका काम गया है बढ़। ठीक है, पहले क्या था, एक दो स्टूडेंट जा रहे थे उनको वो दे रहे थे, अब उनको भी पता है रिजल्ट का भी लेट हो सकता है, अक्टूबर तक आए। ठीक है ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब उनका गया है काम बढ़, इसीलिए वो अब कॉन्फिडेंस रिजल्ट फीस आपसे पे करवा ले रहे पर रिजल्ट आपको नहीं दे रहे। कभी कभार ऐसे ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पांच में से तीन को मिल गया, दो को नहीं मिला। मेरे जितने भी कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं उनके साथ तो यही प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैंने उनसे पूछा कि क्या बताया जा रहा, उनका ये कहना है कि एग्जामिनेशन ब्रांच वाले कह रहे कि सारी कॉपियाँ चेक हो चुकी है, अब एसओएल वाले कह रहे कि अभी तक वहाँ पर कॉपियाँ नहीं आई। तो एक कुछ नहीं है, तो घुमाने वाली बात है। आप एक थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कर दोगे, हम्बल रिक्वेस्ट कर दोगे, आपको कॉन्फिडेंस रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपसे फीस उन्होंने पे ले ली है तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या वेट करा जाए? देखिए, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है कहीं, तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही रिजल्ट चाहे अक्टूबर में भी क्यों ना आए तो दिसंबर सेशन में एडमिशन एक रूम में आप ले सकते हो। और अगर आपको अभी अर्जेंट है तो आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलवा लो, क्योंकि रिजल्ट लेट होगा। क्यों लेट होगा? क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है प्रोग्राम वालों का। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इसी वजह से रिजल्ट आपका लेट हो रहा है। और जैसे ही थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पहले ही NCBAP का भी आ चुका है, रेगुलर वालों का भी आ चुका है, क्योंकि NCBAP भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है और इसका भी SOL के साथ ही आता था, बट NCBAP का रिजल्ट पहले आ चुका है। तो इसका यही तात्पर्य कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखने वाली बात है सेप्टेम्बर में। अभी तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि जो प्रेमराज का स्क्रीन शॉट सर का जो हुआ था कि सेकेंड वीक तक हम इंतजार कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको जो पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ऑनर वालों का मिलेगा, बट प्रोग्राम वालों का आपको लेट ही मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर वालों के अगर प्रॉपर सारे रिजल्ट आ जाते तो आपके भी आ जाते, बट प्रोग्राम वालों का रिजल्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है अक्टूबर के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट खिंच जाए, थर्ड वीक तक भी जा सकता है। तो अगर आपको अभी इमरजेंसी है रिजल्ट, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप कॉन्फिडेंशियल निकलवा लीजिए, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि बाद में जाके आप ये बोलो कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट किसी का करियर ख़राब ना हो। बाकी रिजल्ट लेट हो रहा मुझे ही पता है आपके ऊपर क्या परेशानी आ रही होगी, बट कॉलेज अपडेट्स की टीम हमेशा आपके साथ है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी दे रही है। बट थोड़ा सा हम पे भी ट्रस्ट रखो, हमें भी पता है, हमें जैसी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से मिलती है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, आपको वो कोई नवंबर बताया कोई अक्टूबर बताएगा, प्रॉपर डेट इसकी कुछ नहीं होती, जिस दिन आएगा वो बता दिया जाएगा। बस प्रॉपर एक वीक मंथ ही कोई बता सकता है। ठीक है ना, बाकी अभी नेक्स्ट वीक तक हम देख लेते हैं किसके रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ही फिर कुछ कहना ठीक रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।